आज हम बात करेंगे जर्सी मूवी के रिव्यू के बारे में। शाहिद कपूर जो कि हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उनकी पिछली फिल्म कबीर सिंह में देखने को मिला। काफ़ी दमदार रोल था उनका और पूरे पिक्चर उन्हीं पर टिकी थी। वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। अब देखना यह है कि फिल्म जर्सी में भी वो कुछ ऐसा कर पाते हैं क्या। फिल्म जर्सी जो कि गौतम टिन्नूरी ने डायरेक्ट की है और इसमें शाहिद कपूर के अपोजिट मृणाल ठाकुर हैं। एक क्रिकेटर बेस्ड मूवी है ये। इसमें शाहिद कपूर क्रिकेट फील्ड पर काफ़ी टैलेंटेड शो किए गए हैं, परंतु जैसा कि होता ही है, टैलेंट है आपके पास तो ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल भी हों। वैसे ही फिल्म में शाहिद कपूर एक टैलेंटेड क्रिकेटर हैं पर फेल भी हैं, और उसी फेलियर की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चलती। फिर अचानक से उनमें एक हीरो जागता है और वो क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं, और ये सब वो अपने बच्चे के विश पर करते हैं। फिल्म की कहानी कोई नई नहीं है, बस फिल्म शाहिद कपूर और उनकी रेपुटेशन पर टिकी हुई है। नहीं तो इस फिल्म का हाल भी कहीं रणवीर सिंह की 83 की तरह ना हो जाए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, और यदि बुरा लगा तो उसमें क्या अच्छा नहीं लगा आपको वो भी बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पागल बनिए।